नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रेवाड़ी में एक आटा व्यापारी से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में रेवाड़ी पुलिस ने फोन पर व्यापारी से रंगदारी मांगने वाली युवती को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके अन्य साथी फरार हो गए। अब पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। 3 दिन पूर्व रेवाड़ी शहर की नई बस्ती निवासी एक आटा व्यापारी को व्यापार करने के बहाने रोहतक बुलाकर एक युवती और उसके दो साथियों ने चाकू की नोक पर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। आरोपियों ने ये पैसा व्यापारी के घर से मांगने की धमकी दी। व्यापारी को उसकी कार के साथ लेकर आरोपी रेवाड़ी तक लेकर आए। ये मामला पुलिस तक पहुँचा तो दोनों युवक गाड़ी से भाग निकले, मगर युवती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि ब्रजेश ने मोहल्ले में ही आटा चक्की लगाई हुई है। फरवरी माह में ब्रजेश ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सेक्टर 5 में रात्रि जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसके लिए लाखों रुपए का चंदा भी एकत्रित किया गया था, लेकिन रात्रि जागरण के आयोजक कार्यकर्ताओं में ही शामिल युवक चंदे के लाखों रुपए लेकर भाग गए थे। ब्रजेश और उसके पिता ने ही जागरण के दौरान वो पूरा खर्चा वहन किया था। उन्होंने चंदे के रुपए लेकर भागने की शिकायत पुलिस थाने में नहीं की थी। इसके बाद से ही आरोपियों के हौसले बढ़ गए थे और आरोपियों ने व्यापार के बहाने व्यापारी को रोहतक बुलाया था। इस संदर्भ में अभी पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। सर, आपका पूरा परिचय लीजिए और क्या हुआ आपके साथ वारदात? सर, मेरा नाम ब्रजेश अग्रवाल है, मैं नई बस्ती रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। मेरे साथ 3 दिन पहले किसी अननोन नंबर से लड़की का मैसेज आता है उसका कि हेलो सर, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो मैं पूछा, मैडम आप कौन और क्या काम है आपको मेरे से? तो बोली, आप हम आपसे आपका जो पतंजलि का माल है वो हम आपसे लेना चाहते हैं। तो मुझे, मैडम आप कहाँ से? तो बोली, मैं आगरा से हैं, आगरा से हमारे पास बेकरी का काम है और बेकरी के काम से मैं कम, तो अब आपको आगरा में मैं नहीं दे सकता। तो बोली, हम गुड़गांव के अंदर अपना सेटअप करना चाहते हैं, तो मैम गुड़गांव से आप ले लीजिए। तो उन्होंने मना करके मेरे से, मतलब कि उन्होंने गुड़गांव बातचीत करी एक दो पार्टियों से, फिर उन्होंने मेरा नाम लेकर रेफरेंस करा कि हम आपसे लेना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर मीटिंग बिठाई, उन्होंने मीटिंग मेरे को फिर रोहतक बुलाया गुड़गांव की जगह। मैं रोहतक पहुँच गया। रोहतक पहुँचने के बाद उस जो लड़की थी जिसका नाम पूजा सिंह था, उसने मुझे अपने साथ अपने किसी पार्टनर के पास ले जाने के कहा। ले जाने के बाद उसने वहाँ पर दो नकाबपोश बैठे, दो युवक बैठे थे वहाँ पर पहले से ही, जो उन्होंने मुझे जाकर मारा पहले, फिर उन्होंने नकाब हटाया तो वो अपने रेवाड़ी निवासी निकले। तो उन्होंने फिर मेरे से कहा कि भाई देखो, अपनी जान प्यारी है तो 30 लाख रुपये हमको दे दे, नहीं तो यहाँ पर तेरे को मारेंगे और वहाँ पर घर वालों को मारेंगे हम। तो मैंने उनको नहीं दिए। तो उन्होंने जैसे उन्होंने कहा कोई फ़ोन कर, मैं 3-4 जगह फ़ोन कर, सब ने मेरे से ये कहा कि भाई तू रेवाड़ी आ जा, तू रेवाड़ी आकर ले जा पैसे। तो उन्होंने फिर सोच विचार करके भी मुझे रेवाड़ी लेके आ गए। रेवाड़ी लाने के बाद मैं अपने किसी जानने वाले के पास पहुंच गया, तो उन्होंने ये देखा कि अपने जानने वाले के पास है, तो उन्होंने किसी तरह से मौका देखा कि फ्रॉड हो जाए, पर वो नहीं हो पाए। पर किसी कारणवश वो, मैं जैसे मुझे मिलने वाले पास पहुंचा तो उन्होंने पुलिस के पास फ़ोन करा, तो वो दो युवक जो जिन्होंने नकाबपोश थे वो फरार हो गए। जो लड़की थी वो हमारे कब्जे में आ गई है इस टाइम, और पुलिस अभी हमने वो लड़की पुलिस के कब्जे में है और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है इस मामले को। कौन लोग थे जो आपको वहाँ बैठे भी लेते हैं? वो अपने रेवाड़ी निवासी थे जो कि पहले में से एक दो बार मिल चुके हैं। क्या नाम था उनका? एक का नाम कृष्णा शर्मा है और दूसरे का नाम प्रदीप है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।